वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नए ब्लॉग की शुरुआत होती है बर्थडे ब्लॉग से, वो भी हस्बैंड का बर्थडे। तो ये बर्थडे ब्लॉग के लिए ना मैंने काफ़ी टाइम से वेट किया था, क्योंकि हमने उनका बर्थडे ना पहले ही बना लिया। बार का जो बर्थडे की प्रिपरेशन थी ना सारी, वो करी है उनकी जीजा जी की साली ने, यानी कि मेरी सिस्टर ने, क्योंकि उसको जाना था, क्योंकि उनके बर्थडे तो वो रुक नहीं पाती, तो इसलिए उसने ये सब प्री प्लानिंग पहले से ही कर ली थी। बाबू हम कहाँ जा रहे हैं? बाबू तो आपकी रोज की आती हो गई है। हमने उनको सरप्राइज़ देना था, उससे पहले हमें सारे काम अपने निपटाने थे, क्योंकि हमारे अमीनाबाद में ना हमारी चिकनकारी की जो कुर्तियाँ हैं ना, वो इतनी सुंदर सुंदर कुर्तियाँ आपको वहाँ पे मिलेगी ना, जो ये शॉप है ना, वाकई में आप जरूर जाएगा यहाँ पे आपको दी बेस्ट क्वालिटी है यहाँ पे चिकनकारी की। तो ये हमें बहुत ही अच्छी लगी, तो हमने यहाँ से जो पहले हमने कुर्तियाँ देखी थी वो हमने यहाँ से फिर उठा ली, यानी कि हमने उसको ले लिया था, क्योंकि हमने उनको कहा था कि हम आएँगे दूसरी बार, क्योंकि उस दिन भद्र हो गया था। हमने वो कुर्तियाँ तो ली, बट हमें और भी पसंद आ गया, श्री के लिए भी पसंद आ गया लता को, तो उसने उसके लिए भी ली, वहाँ से एक फ्रॉक ली। तो इतनी सुंदर सुंदर वहाँ पे ना चिकनकारी की थी, जिससे कि और वो दिल्ली के लिए भी अपने लिए लेके गई है, अपने दोस्तों के लिए भी वहाँ से कपड़े लेके गई है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है वहाँ की, और बहुत फेमस है ये शॉप, और उसने की मानिए बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। अमीनाबाद से जल्दी जल्दी अपना काम सारा निपटा के हम सीधे गए थे घूटना, क्योंकि हमें वहाँ से कोई केक भी उठाना था, क्योंकि हमने वहाँ पे केक ऑर्डर पहले से ही कर दिया था, और साथ ही हमने यहाँ पे थोड़ी सी हमारी जो चटपटी हमारी भूख होती है, जो कि श्री का जो फेवरेट है, और तो हमने वहाँ से खाए थे माया मोमो कॉर्नर से, जो कि फेमस है भूतनाथ में। आप किसी से भी पूछ लीजिए ना चाइनीज कार्ड के लिए कौन फेमस है, तो सबसे पहले उसी का नाम लेते हैं। और यहाँ पे हमने जैसे ही हमने केक के वहाँ पे गए, केक पार्लर में गए थे जहाँ से हमने केक ऑर्डर किया था, तो वहाँ पे ना श्री को हमने एक पेस्ट्री जो होती है वो कसाटा हमने फ्लेवर लिया था केक में, तो उसी का ही दूसरा एक वर्जन था, उसमें हमने एक पेस्ट्री ली थी। तो वो श्री अकेले खाना चाहती थी, और अपने हाथ से, और उतना मैशी कर देती ना वहाँ पे, क्योंकि हम बाहर दे तो वो सब कपड़ों में लगा देती, तो हम मैं बार बार उसे मना कर रही थी, बट वो बिल्कुल नहीं मानी। जल्दी से हम लोग केक लेके हम सीधे घर गए, और हमने अपनी डेकोरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो ये देखिए, ये सारी डेकोरेशन मेरी बहन ने, मैंने सब मिलकर करी है, और यहाँ पे थोड़ा सा मेरा कंट्रीब्यूट है भाई का, क्योंकि उसने केवल हमें एक होता है ना हंसाने का काम कर रहा था, वो हमारा एंटरटेन कर रहा था, क्योंकि श्री को भी संभालना था, नहीं तो सारे बलून फोड़ देती। तो वहाँ पर मामा अपनी भांजी को देख रहा था। लता ने ना रात के डिनर की भी तैयारी कर दी थी, उसने बारबेक्यू से खाना ऑर्डर कर दिया था, और बारबेक्यू में तो बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, वो भी सब एक, उसमें बहुत सारी उसमें वैरायटी मिलती है, तो हमने सबसे बड़ा वाला ही हमने एक पैकेज होता है, तो हमने वो ऑर्डर कर दिया था, जिसमें सारी वेजिटेरियन की सारी, उसमें स्टार्टर से लेके आपको स्वीट डिश से लेके आपके जितने भी मील्स होते हैं, इसमें छोटा थोड़ा बहुत कुछ होता है, तो हमारे तीन लोगों के, इसके तीन और चार लोगों के लिए काफ़ी था। तो ये हमारी पूरी डेकोरेशन थी ना, वो बहुत प्यारी लग रही थी, क्योंकि हमने बहुत कम टाइम में किया था, और ये सब कुछ ना अपने जीजा जी की साली ने किया, तो यानी कि साली जी ने तो बहुत ही बेस्ट आज काम किया है, और ये देख के ना जीजा जी भी बड़े खुश हो गए थे। तो पता था आपने जल्दी जल्दी उनसे सजाया, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बस इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? तो हम बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? बर्थडे तो मेरा आज है ना। तो बर्थडे है नहीं, बट अब ये प्री बर्थडे। अब प्री वेडिंग से प्री बर्थडे भी हो गया। ये कभी अपना बर्थडे ना सेलिब्रेट नहीं करते हैं, हमेशा ना हमें इनको जोर देना पड़ता है कि नहीं नहीं इतना तो बनता है, क्योंकि है ही इतने स्पेशल, तो इतना तो उनके लिए करना ही पड़ता है। अपने बर्थडे केक में खुद ही कैंडल। बाबू के पापा का बर्थडे बाबू पापा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे मौसी है, यहाँ पे मामा है, और सारी तैयारी मौसी ने कराई है ना बिट्टू, है ना? बाबू बैठो बैठो बैठो, पापा के साथ बैठो आप। नो 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 नो, आप बैठो।
ये थोड़ा ऊपर को आएगा। गाने नहीं लाना है पे बर्थडे वाला? नहीं यार। खुद ही ये इतना अच्छा हमारे पास है तो गाने गाने निकाल के लगा दो ना इससे बढ़िया। उसका निकाल के जला के वहीं लगा दो। नहीं हुआ ये। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। नहीं अभी नहीं, वो केक में जाएगा। अब यहाँ पे कर, यहाँ पे कर इनके ऊपर, यहाँ से जिससे कि केक में नहीं जाए, केक में चले जाएगा ना। वन टू नहीं कर पाया ये। अच्छा वो नहीं तो पोपट हो जाता। वाह इतनी शरू, वाह इतनी शरू। साफ कौन करेगा? Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to papa. May God bless you. Birthday. Happy birthday to you. पापा को खिलाओ। पापा को खिलाओ। आ करके पापा को खिलाओ। यम्मी यम्मी पापा को खिलाओ। मम्मा को खिला दो। खिलाओ खिलाओ जल्दी खिलाओ। लो और खाएगी। हाँ अभी तो मुँह में। बाबू हैप्पी बर्थडे। ओ हैप्पी बर्थडे। इसमें तीनों फ्लेवर वाला है ना वो। बाबू देखो देखो देखो। बाबू तो नीचे वो कलरफुल उनको देख के रह गए। हैप्पी बर्थडे। बटरफ्लाई देखो कहाँ कहाँ है। बटरफ्लाई। सो इसके लिए स्पेशल थैंक यू फॉर लता। थैंक यू लता। अब इसने यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड बेस्ट जीजू। देख नहीं रहे वहाँ पे वर्ल्ड बेस्ट जीजू का जो पिलो है ये पुराना होना ना सब भी। ये बाबू इतना सारा। थैंक यू बाबू। अभी देखो मामा खा लेगा। नहीं तो आपका सारा। ओ मामा नहीं खाना नहीं खाना नहीं। ये हमारी श्री ना रात को ना इन्हीं मून स्टार को देख के सोती है। ये एक लैंप है जिससे बहुत अच्छी लाइटिंग आती है। जैसे कोई रात को जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो सोते नहीं है ना, तो उनको यहाँ पे कमरे में ये लगा दो ये लैंप, और इसे पूरे घर में ना उसके कमरे में ना पूरे इतनी अच्छी ये सब चांद अलग अलग कलरफुल यहाँ पे दिखाई देते, तो बच्चे से वो देख के ना बहुत खुश होते। तो हमारी श्री ना जब से वो बचपन से ही हम इसके लिए लगाते हैं ना, शुरू जब बचपन में लगाते थे खुश हो जाती थी। श्री यहाँ पे अपने पापा के साथ मस्ती कर रही थी। उसको बैलून इतने सुंदर लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं कि दिन भर वो बैलून के साथ खेलती है। वो अभी भी बैलून उसके बचे हुए हैं सारे, तो उसके साथ इतनी मस्ती करती है ना वो अपने मामा के साथ, अपनी मौसी के साथ और पापा के साथ, तो दिन भर इन बैलून के साथ खुश रहती है। तो बच्चों को होता ही है वो कि बैलून उसके आसपास हो तो वो खूब उनके साथ टिकल करते रहते हैं, मज़े करते रहते हैं। और ये है सारी जितना भी हमारा मील आया था बारबेक्यू से, जितने भी स्टार्टर थे वही मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। वेज बिरयानी और उनका टेस्ट बहुत अच्छा था, हमने पहले भी वहाँ से ऑर्डर कर रखा है। तो हम वहाँ ना जाकर, क्योंकि इस समय वायरल फीवर बहुत हो रहा है, तो वहाँ ना जाकर हम लोग ने यहीं पे मंगा लिया, जिससे कि सभी लोग सफिशियंट होता है। ये 4-5 लोगों के लिए बहुत होता है, हमारा तो बच भी गया था।
ये है ब्राउनीज, ये है अंगूरी गुलाब जामुन एंड ये मूंग दाल का हलवा एंड दो टाइप की डिप। बाबू दादू मांग रहे केक, दादू को दे दो। ओ केक देखा नहीं तो सब छोड़ देती है। वो तो अपना कटोरा खुद ही चम्मच लगा रही हो। केक कटिंग के बाद हमने सभी फैमिली मेंबर से बात करी, मेरे हस्बैंड ने श्री के दादा दादी से, मेरे मम्मी पापा से और श्री की बुआ, दोनों बुआ लोगों से, तो सभी से बात करके बहुत अच्छा लग रहा था कि सब बहुत खुश भी हो रहे थे और सबसे ज़्यादा हमारे श्री और उसके पापा खुश थे। तो ये था हमारा आज का बर्थडे स्पेशल ब्लॉग। तो आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग कैसे लगा प्लीज़ ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी सी जो खुशियाँ हैं ना तो वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये इस छोटी छोटी खुशियों को जो हम शेयर करते हैं ना, तो हमें भी लगता है कि नहीं अपनी हमने जो YT फैमिली से हमने जो इतना प्यार मिला है, आपने इतना प्यार श्री को दिया है, तो ऐसे ही ये श्री के साथ ये बनाए रखना और हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहना।